संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर तरीके से, जिस तरीके से इस मिल को चलवाया गया उसी तरीके से इस मिल की चालू होनी चाहिए। किसानों का कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई उस पर अमल कर रहे, ना कोई सर्वे कर रहे, ना गन्ने का कहीं भुगतान कर रहे। बताओ अपनी समस्या। समस्या यही है कि बेब सुगर मिल द्वारा जो ये समय समय पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि जब से मिल बंद हुई है तभी से किसान संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो ज्ञापन है ये बेब सुगर मिल के खिलाफ लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये बेब वाले बहुत बेईमान हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें साफ स्पष्टता के साथ है कि बेब मिल को चलवाने में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और सभी किसान उनके आभारी हैं और सदैव रहेंगे। पर ये बार बार उनकी छवि को ख़राब कर रहा है, भारत सरकार, यूपी सरकार और इनकी मोदी जी और योगी जी की छवि को ख़राब करने की एक रणनीति ये अपना रहे हैं बेब वाले। कहीं ना कहीं ये उन लोगों को नहीं चाहते कि उन्होंने जो कार्य करे हैं उनको वंचितों किसानों में उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो इसलिए अब आज आप यहाँ आए जे डीएम साहब के यहाँ, तो क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आए हैं यहाँ पर? यही है कि मिल को चलवाया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बेब मिल वाले जो है ये किसके कारण ऐसा कर रहे हैं, क्यों मोदी जी और योगी जी कुछ छवि को खराब करने पर तुले हैं, उसकी जाँच भी करी जाए और इन पे कोई भी यानी कि इन पर रैम नहीं किया जाए। सीबीआई जांच इन पर लगातार चल रही है और चलती रहेगी। पंद्रह दिन का चालू होता है तो इनकी ईंट मरम्मत का कार्य जो समय से चालू हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मिल को चलवा सकते हैं तो आज चलवाएंगे और अब भी चलेगा, मिल चलेगा हर कीमत पर। यही है कि ये अगर मिल नहीं चलता है तो आपका क्या आगे आंदोलन होगा? इनके बेब के जितने भी कारखाने हैं सभी किसान बंद करेंगे, यहाँ से इन्हें भगाएंगे उखाड़ के, यूपी में इन्हें नहीं रहने दिया जाएगा। अगर ये सरकार के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे या उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें कैसे खिलवाड़ कर दिया जाएगा? योगी जी मोदी की छवि के साथ इन्हें नहीं खेलने दिया जाएगा।